हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेक्शन 383 इंडियन पिनल कोड का, जो कि बात करता है एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन को हिंदी में कहते हैं उद्दापन। तो हिंदी में मैं उद्दापन जो टर्म है इसको कम इस्तेमाल करूंगा, मैं इंग्लिश में एक्सटॉर्शन ही ज़्यादा बोलूंगा। तो एक्सटॉर्शन जो है वो ये बात करता है, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन दे रखी है इंडियन पिनल कोड में वो देखते हैं। तो इंडियन पिनल कोड में बता रखा है, Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person. तो पहली लाइन आ रही है, intentionally put any person in fear of injury. तो सबसे पहली बात आती है कि इंजरी क्या होता है। सो बेसिकली इंजरी जो है, इंजरी का मतलब होता है जो किसी भी पर्सन की, अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे उस पर्सन को बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन या माइंड का हार्म हो। मतलब क्या, मैं किसी व्यक्ति से ऐसा कुछ करूं, कोई ऐसा एक्ट करूं किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में जिससे उस पर्सन को किसी भी तरह का लॉस हो रहा हो, किसी भी तरह का हार्म हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, या तो उसकी बॉडी का भी हो सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, या उसकी रेपुटेशन का भी नुकसान हो सकता है, या फिर उसके माइंड मतलब मेंटल कंडीशन उस पर्सन की, उसका भी नुकसान हो सकता है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं तो वो इंजरी कहलाता है। तो इन्होंने लिखा है कि whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, to that person मतलब दूसरे person के लिए बात हो रही है, or to any other, या फिर किसी और व्यक्ति के लिए भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं उसी person के लिए, मैं कहूँ कि तेरे बेटे को मैं ऐसा कर दूँगा, तेरे चाचा को मैं ऐसा कर दूँगा, तेरी पत्नी को मैं ऐसा कर दूँगा। तो इस तरह से अगर मैं किसी person को कहता हूँ, आगे पढ़ते हैं इसमें फिर क्या लिखा है, and thereby, और ऐसा करने के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा हूँ। डिसऑनेस्टली वर्ड का मतलब होता है, जो कि सेक्शन 24 में ही बता रखा है इंडियन पिनल कोड में, कि डिसऑनेस्टली का मतलब होता है आप किसी पर्सन से रॉन्गफुली गेन कर रहे हैं और किसी पर्सन को रॉन्गफुली लॉस कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति से तो आप फ़ायदा ले रहे हैं और एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। मतलब कैसे, आप फ़ायदा ले रहे हैं किसी व्यक्ति से तो आपको तो फ़ायदा हुआ है और सामने वाले व्यक्ति को जो है वो नुकसान हुआ है। तो ये कहता है डिसऑनेस्टली। तो डिसऑनेस्टली आप क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं उसको। इंड्यूस करने का मतलब उसको ललचा रहे हैं कि अब तो आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। उसको एक तरह से उसको डर लग गया है कि यार अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे इंजरी कॉज होनी है। तो इन्होंने लिखा है डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर, सो पुट इन फियर, उसको एक डर बैठाते हैं टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, कि आप जो ये प्रॉपर्टी है वो किसी भी व्यक्ति को डिलीवर कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर करो। मैं अगर किसी व्यक्ति को डराता हूँ, किसी व्यक्ति को मैं ऐसा इंजरी कॉज करने के बताता हूँ और उसको ऐसा फियर भी है कि मुझे इंजरी कॉज होगी, और मैं उससे डिसऑनेस्टली मतलब उसको अगर वो कोई चीज़ देगा मुझे तो उसको तो लॉस होना ही और मुझे गेन होना ही, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे दे या फिर थर्ड पर्सन को भी दे। मैं कह सकता हूँ कि शाम को जो है वो आप एक प्रॉपर्टी दे के आओ, नहीं तो मैं आपकी जो है बच्चे को किडनैप कर लूँगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आप अदर पर्सन की इंजरी का भी इसमें कह सकते हैं। मैं तुम्हें, अगर तुम वहाँ गली से निकलोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, नहीं तो वो जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं वो साइन करके दे दे जाना मुझे, वो मेरे नाम कर देना। तो ये इस तरह के कुछ एग्जांपल हैं जो एक्सटॉर्शन में आते हैं। तो आगे पूरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, टू एनी पर्सन एंड एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी यहाँ इंडियन पिनल कोड में डिफाइन है, उसमें बता रखा है वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब जिस चीज़ की कोई ना कोई एक वैल्यू आती है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है वो आपकी जैसे कागज जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रॉपर्टी के कागज़ होते हैं, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप किसी वैल्यू पे सिक्योर किया गया है, दैट इज़ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए भी हो सकता है। फिर क्या है, एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इंटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मैं किसी भी चीज़ पर साइन करवा दूँ अगर, और वो साइन करने से अगर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकती है, तो अगर मैं ऐसा कुछ कार्य करता हूँ तो वो माना जाएगा एक्सटॉर्शन है। कैसे, पूरी डेफिनेशन को एक साथ पूरा पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली बात करी है कि मैं किसी पर्सन को या कोई अदर पर्सन को इंजरी कॉज करने की बात कहता हूँ, और उस इंजरी कॉज करने की बात कहने से मैं कहता हूँ कि या तो डिसऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं, मतलब मेरे मन में है कि मुझे कुछ ना कुछ गेन होगा और सामने वाले को नुकसान होगा, कि ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो चीज़ है ये मुझे डिलीवर कर दो, और वो प्रॉपर्टी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी इंक्लूड होती है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो भी इसमें इंक्लूड आएगी। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस अपन देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ ए पर्सन है कि
अगर तुमने तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागज मेरे नाम नहीं करे तो तुम्हारे बच्चे को मैं किडनैप कर लूँगा। तो अगर मैं ये ऐसा कुछ कहता हूँ ए से, तो यहाँ पे मैंने उसको एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कर दिया है। मैं एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में पनिशमेंट मुझे मिलेगा, अगर वो जाके FIR कराता है और ट्रायल चलता है तो मुझे एक्सटॉर्शन में पनिशमेंट मिलेगा अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि मैंने इस तरह से उससे कहा था। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं कहूँ कि मैं तेरे खिलाफ़ अखबार में एक स्टेटमेंट छपवा दूँगा जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, जिससे आपकी रेपुटेशन हार्म होगी। अगर सही होगा तो रेपुटेशन हार्म होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सही है तो फिर आपकी रेपुटेशन हार्म नहीं हो सकती, डिफेमेशन में आप नहीं जा सकते। लेकिन गलत चीज़ आपके खिलाफ छपवा दे, वो कह दे कि मैं अखबार में छपवा दूंगा कि इस व्यक्ति को कोई भी पैसे ना दे उधार, क्योंकि इसने मुझसे पहले ही रुपये ले रखे हैं और ये मुझे रुपये नहीं दे रहा है। अगर मैं ऐसी बात छपवा दूंगा तो आप कभी भी उधार नहीं ले पाएंगे, कभी भी मार्केट से अगर आपको उधार लेना है तो इस तरह से अगर आप उधार नहीं ले पाएंगे तो ये आपको नुकसान हो रहा है कुल मिला के, तो आपकी एक तरह से ये छवि ख़राब हो रही है, तो ये आपका डिफेमेशन हो रहा है। तो यहाँ इंजरी की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी सेक्शन 44 में भी जो बता रखी है यहाँ पे, कि बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड और रेपुटेशन, तो जो फोर्थ पॉइंट था रेपुटेशन, इसमें ये पॉइंट कवर हो जाएगा कि आपकी रेपुटेशन का आपको फियर है और फिर वो कहता है कि या तो मैं छपवा दूंगा अखबार में, नहीं तो मुझे इतने रुपये मुझे दे दो, इतनी ये वाली ये प्रॉपर्टी है आपकी ये मुझे दे दो, आपका फ़ोन मुझे दे दो, तो मैं कोई भी चीज़ में मांग रहा हूँ तो वो मांग सकता हूँ, मांग सकता नहीं हो, अगर वो मांगता हूँ तो वो एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में आएगा। ये आपका राइट नहीं है बिल्कुल, ये एक तरह का ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड के अंदर, तो जिसके लिए आप लायबल होंगे। तो इसमें एक जो चीज़ देखने की एक्सटॉर्शन में वो ये है कि एक्सटॉर्शन में मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए बात है। कैसे बात है? इसमें लिखा हुआ है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी ज़मीन के कागज़ भी होते हैं, तो ज़मीन जो है वो आपकी एक इमूवेबल सब्जेक्ट है, ज़मीन कभी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकती, तो फिर वो भी इंक्लूड है, तो मूवेबल और इमूवेबल। और इसमें लास्ट लाइन ये भी लिखी थी डेफिनेशन में कि जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। तो अगर मान लीजिए मैं एक पेपर पे किसी व्यक्ति से उसको साइन करवा देता हूं कि या तो तू साइन कर दे इस पेपर पे, खाली पेपर में, नहीं तो फिर शाम को मैं तेरे घर पे तोड़फोड़ कर दूंगा, हल्ला मचाऊंगा और मारूंगा पीटूंगा जो भी है सारा कुछ। तो अगर मैं इस तरह का डर बैठा रहा हूँ तो ये भी एक एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आता है और इसके लिए सज़ा होती है। तो एक्सटॉर्शन का जो पनिशमेंट है वो है सेक्शन 384 में, जो कि बात करता है कि अगर आप एक्सटॉर्शन कमिट करते हैं तो आप 3 साल के लिए लायबल हैं, 3 साल का आपको पनिशमेंट मिलेगा, जो सज़ा मिलेगी वो 3 साल की मिलेगी इम्प्रिजमेंट, और साथ में फ़ाइन भी मिल सकता है, या फिर 3 साल की सज़ा साथ में फ़ाइन दोनों भी दिया जा सकता है। तो ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करना है कि कोर्ट को कैसा लगता है कि उनको सज़ा देनी है कि सिर्फ फ़ाइन देना है कि दोनों देना है। तो ये है बेसिकली सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन जो बात करता है। थैंक यू।